पूरा फीस बन चुका है और आप सर कैसे हैं? बस बढ़िया। क्या नाम है आपका? पिंटू भाई। तो सर अंडे में मच्छी मसाला आप खिलाने वाले हैं, बन जाएगा? बनेगा। और अंडे का टेस्ट आएगा? आएगा आएगा। क्या बात है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चलो। सो गाइस यहाँ पर अभी बनने जा रहा है मच्छी मसाला। सो गाइस यहाँ पर देखिए प्रोसेस पूरी स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले एक कच्चा अंडा फोड़ के डाला गया है। भाई आज से पहले अगर आप लोगों ने ऐसी वीडियो ना देखी हो ना मच्छी मसाला, तो जरूर देखिएगा, क्योंकि पहली बार ऐसी वीडियो मैं बना रहा हूँ जहाँ पर आपको अंडे के अंदर मिलेगा मच्छी का टेस्ट। और मसाले में थोड़ा सा मुझे बता देंगे सर? नमक आया जी और धनिया पाउडर। अच्छा, अभी वही दो चीजें हैं। हाँ। तो देखिए भाई उसको फट बढ़िया से फेटा जा रहा है। तो बने रहेगा आप लोग, प्रोसेस थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट मजा आ जाएगा आप लोगों को। सो ये देखिए तवे के ऊपर ऑयल ऐड कर लिया गया। और एक चीज बता दूंगा इस, देखो तेल जो है ना यहाँ पर सिंक का यूज किया जाता है, मतलब मूंगफली का तेल यूज किया जाता है। मूंगफली के अंदर जब अंडा कोई भी बनाया जाता है ना तो उसका जो टेस्ट है ना बढ़ जाता है। और ये यहाँ पर हमेशा ही जो भी वेराइटी अपनी बनाते हैं मूंगफली के तेल में ही बनाते हैं। सर वैसे आपको अंडा बनाते हुए कितना साल हो गया? 3 साल। मतलब काफी पुराने हैं आप। हमारा एक यहाँ पे चलता है ओलपार से आगे 60 किलोमीटर टकरमा गांव। टकरमा गांव ओलपार से आगे? ओलपार से आगे। अच्छा, वहाँ पे भी आपकी एक ब्रांच है? वहाँ पे एक ब्रांच है, अपना पहला ब्रांच वही है। अच्छा जी, तो मतलब अब ओलपार वालों को खिलाते खिलाते अब सूरत पहुँच चुके हैं, अब जितने सूरत के लोग हैं उनको खिलाएंगे। एक बॉयल अंडा ग्रेट किया गया। अच्छा, और चीज आएगा और ये चीज डाला जा रहा है। रोल बनाएंगे क्या? इसका रोल बनेगा। सो देखिए यहाँ पर एक बॉयल अंडा ग्रेट करके ऐड किया गया है, उसके ऊपर से ऐड किया गया है इसमें चीज। तो आप लोग बने रहना क्योंकि इसके बाद हम दिखाएंगे इसी वीडियो में कि भाई इसमें फिश कैसे बनने वाली है। अभी तो इसको रोल कर लिया गया है लेकिन इस पूरी प्लेट के अंदर फिश भी बनेगी। सो ये फर्स्ट पोर्शन जो है इसका रेडी हो चुका है। इसके बाद क्या आएगा सर? इसके ऊपर ग्रेवी आएगा। फिश बन गया। अच्छा, फिश बन गया, ये फिश बन गया। तो देखिए इसको कटिंग किया जा रहा है यहाँ पे। ये आपकी फीस रेडी हो रही है। क्या बात है, मतलब अब फीस बन जाएगी? हाँ बन जाएगी। सो गाइस देखिए यहाँ पर कटिंग इस तरीके से किया जा रहा है कि फीस का आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर पूरा का पूरा डिजाइन। तो ये पीछे वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा, पूछ वाला। क्या बात है भाई साहब, वो हो। सो ये देखिए गाइस यहाँ पर पूरा फीस बन चुका है। और आप जानते हैं जब पापलेट फीस बनती है ना तो ऐसे कटिंग किया जाता है, और इसमें भी बिल्कुल कटिंग है, देख रहे हैं आप लोग। क्या बात है भाई, मतलब 3 साल का जो इनका नॉलेज है आप देख रहे हो, मतलब फिश मच्छी फ्राई मच्छी मसाला जो ये खिलाने वाले हैं कुछ इस तरीके से। आगे की प्रोसेस करते हैं सर, बाकी दिल खुश हो गया ये देख के। फ्रेंड अब यहाँ पर टमाटो ग्रेट किया जा रहा है। सर टमाटो ग्रेट क्यों किया जा रहा है? लोग प्योर ही तैयार करके लाते हैं जी, फ्रेश ही बनाते हैं, मतलब एकदम तुरंत तुरंत। तो ये देखिए वो प्यूरी बनाने के लिए एक टमाटो ग्रेट किया जा रहा है प्रॉपर यहाँ से। और ये दूसरा टमाटर आ गया। वैसे आप लोग बने रहना मेरे साथ क्योंकि आखिरी में मैं बताऊंगा इनका लोकेशन, जहां आकर के आप लोग ना ये मच्छी मसाला ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर। सो ये देखिए टमाटर ग्रेट हो चुका है पूरा। और ये देखिए अब वापस से ऑयल ऐड कर लिया गया तवे पर।
ये देखिए टमाटो ऐड करने के बाद हल्का सा वाटर ऐड किया, उसके बाद इन्होंने ग्रीन चिली पेस्ट और लहसुन का पेस्ट ऊपर से हल्का सा ऐड कर लिया है। साथ में ये देखिए धनिया है और काली मिर्च पाउडर है, सॉल्ट है और ये रेड मिर्च है, काश्मीरी रेड मिर्च है जो नुकसान तो नहीं करती है, बस उसको लाल दिखाती है। और ये शायद से मुझे लग रहा है मसाला इनका अपना स्पेशल है जो यहाँ पर ये बनाते हैं और इसमें ऐड करते हैं, सही है ना सर? इसी मसाले का जायका है ना? इसमें ही जायका है। हाँ जी। और ये लहसुन, लहसुन लहसुन है और ये हमारे यहाँ 12 महीने मिलता है। मतलब आप वो हरा वाला प्याज नहीं ऐड करते? हरा प्याज व्याज कुछ नहीं, ओनली लहसुन। क्या बात है भाई। बस एक चीज कहूंगा, देखिए सूरत के अंदर अंडे की चीज बन रही है और उसमें लहसुन ना डाले जाए तो भाई वो अंडा किस काम का, क्योंकि सूरत को जाना इसलिए जाता है क्योंकि अंडे में फेमस है सूरत, इसलिए कि यहाँ पर हर रेसिपी के अंदर यूज की जाता है कच्चा लहसुन हरे वाला। और ये देखिए यहाँ पर ऐड कर लिया गया है येलो पोर्शन बॉइल अंडे का, ये मायोनीज है और ये मायोनीज, वाओ क्या बात है। और ये क्या है वो? अमूल फ्रेश दूध। अच्छा अमूल क्रीम है। सो देखिए गाइस यहाँ पर अमूल क्रीम भी ऐड कर लिया गया और उसके बाद उसे मिक्स किया जा रहा है, हल्की सी हल्दी भी इसमें ऐड की गई है। तो देखिए यहाँ पर जो ग्रेवी रेडी की गई है उसके अंदर हल्का सा काश्मीरी मिर्च ऐड कर लिया गया है। और ये सबसे पहले जो ग्रेवी रेडी हुई है उसको ऐड किया जा रहा है फिश के ऊपर। भाई क्वांटिटी देख के तो अभी मुझे लग रहा है कि इसको खाने के लिए लगने वाले 2 से 3 लोग, यानी क्वांटिटी इसकी ज्यादा होने वाली है। अब इसके बाद क्या है सर? अभी एक बॉयल एग आएगा, लिक्विड चीज कीमा बनेगा। अच्छा क्या बात है। अभी ये चीज आएगा। हरी मिर्ची, लहसुन पेस्ट, धनिया पाउडर, काली मिर्च, नमक और लहसुन। अभी जाएगा हल्का सा पानी। तो ये देखिए गाइस जो लिक्विड चीज कीमा इन्होंने रेडी किया था उसको भी उतार करके ऐड कर लिया गया है फिश के ऊपर। यानी आप देख रहे हैं 2 तरह की ग्रेवी आपको मिल जाएगा अंदर, एक रेड और एक मिल जाएगा आपको चीज कीमा लिक्विड वाला। तो अब ये रेडी है सर? जी बिल्कुल। इसके साथ ब्रेड कितना आएगा? 6 ब्रेड आएगा। सर यहाँ का एड्रेस बताइए एक बार। एड्रेस है अपना जांगीपुरा, नियर इस्कॉन सर्कल, बिसाइड बालाजी हार्डवेयर, डेरी वाल के सामने।
कितने बजे आप चालू करते हैं सर? दोपहर 1 बजे। और कितने बजे तक? 11 बजे तक। एवरीडे चालू रहता है? एवरीडे चालू। चलिए गाइस, सब कुछ हमने आपको बता दिया, अब इसे ट्राई करते हैं, आपको इनका जायके का टेस्ट भी बताते हैं कि कैसा लगा। भाई फाइनली यहाँ पर जो मच्छी मसाला रेसिपी हमने आपको दिखाया बन के आ चुका है टेबल पे। देखिए साथ में दिया गया है सलाद, टमाटो, ऑनियन, लेमन और साथ में दिया गया ब्रेड। बात करेंगे क्वांटिटी की, क्वांटिटी इतनी है कि आप 2 से 3 लोग इसे बहुत आराम से शेयर कर सकते हैं और खा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ मच्छी मसाला। इतने अंडे की वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आज तक मच्छी मसाला नहीं दिखाया, पर चलिए देखते हैं आज। सो ब्रेड करते हैं, शुरू करते हैं हम लोग ब्रेड से। ब्रेड काफ़ी इनका सॉफ्ट है और ये हम फर्स्ट बाइट ले रहे हैं जिसमें इनकी व्हाइट ग्रेवी, रेड ग्रेवी सब कुछ आ गई। चलिए भाई यहाँ पर हमने एक बाइट कंप्लीट खाया है। बात करते हैं इनके टेस्ट की। देखिए सबसे पहले जो आपको इसमें फ्लेवर मिलने वाला है वो गार्लिक का, फ्रेश गार्लिक का इतना बढ़िया फ्लेवर आ रहा है, वाओ। उसके बाद इसके अंदर जो इन्होंने मेयोनीज और क्रीम और चीज़ ऐड किया था उसका प्रॉपर आपको टेस्ट मिलेगा, फुल्ली क्रीमी चीज़ी। और जब आप ये एक ऐसे कट करके खाएंगे ना ब्रेड के साथ, तो जो उसके क्रंचपन का टेस्ट है, जो ऑयल में फ्राई किया गया था उसके बाद रैप किया गया था उसका जो टेस्ट है भाई, उसका भी टेस्ट लाजवाब है। सो मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर अंडे के अंदर आप लोग चाहते कुछ नया ट्राई करना, कुछ यूनिक ट्राई करना और इस तरीके का ट्राई करना मच्छी फिश, तो जरूर आइएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा। स्क्रीन के ऊपर एड्रेस आपको हम दे देंगे। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो किसी अपने अच्छे दोस्तों को शेयर कीजिए, बाकी कमेंट दिल खोल के कीजिए।